गैंगस्टर सुखा दुनके के सिर में 9 गोलियां क्यों मारी गई। जब गैंगस्टर सुखा को मारने लॉरेंस गैंग के गुर्गे उसके फ्लैट पर पहुंचे तो सुखा को मारने से पहले उन्होंने क्या कहा, सुखा के सिर में 9 गोली मारने के पीछे क्या है असली कहानी, लॉरेंस बिश्नोई ने कुरलाल बराड़ और विक्की की हत्या के बाद क्या कसम खाई थी। कनाडा में छिपकर बैठे एक और गैंगस्टर की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसका नाम था गैंगस्टर सुखा दुनके। सुखा दुनके ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों के लिस्ट में शामिल था जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए ने हाल ही में जारी किया था। हैरानी की बात तो ये है कि हमलावरों ने उसकी जान लेने के लिए उसके सिर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 गोलियां मारी हैं। अब वही सवाल है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने सुखा दुनके के सिर में 9 गोलियां मारकर उसके सिर के परखच्चे क्यों उड़ा दिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। दरअसल सुखा दुनके के बारे में कहा जाता है कि वो खलिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड था। वही डल्ला जिसने अब से 2 दिन पहले पंजाब के मोगा में एक कांग्रेस नेता के घर में घुसकर गोली मरवाकर हत्या करवाई थी। वो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदातों को अंजाम दिलवाता था। जिस वक्त सुखा दुनके मारा गया वो उस वक्त कनाडा के विनिपैग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में आराम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक उस वक्त कनाडा में सुबह 9:30 हो रहे थे। हमलावर तभी उसके घर में दाखिल हुए और उसके सिर में एक के बाद एक 9 गोलियां मार दी जिससे उसके सिर के परखच्चे उड़ गए। पूरे कमरे में खून ही खून बिखर गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर वहां से फरार हो गए। कहा जा रहा है कि सुखा को मारने से पहले हमलावरों ने कहा था तूने गोल्डी के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या करवाई थी, उसमें तेरा पूरा हाथ था। इसके बाद उसके सिर पर 9 गोलियां मारी गई। 9 गोलियां मारने के पीछे कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग की उपज था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब आज से 3 साल पहले चंडीगढ़ में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हुई थी तब उसके पूरे शरीर को छलनी कर दिया गया था और वो भी सुखा दुनके के दिमाग का उपज था। उसके बाद विक्की मिद्दू खेड़ा जो युवा अकाली दल का नेता था उसे भी दौड़ाकर गोलियां मारी गई थी, वो भी सुखा दुनके के दिमाग का उपज था। साल 2022 में मार्च के महीने में कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया को भी इसी तरह से मारकर पूरा शरीर छलनी कर दिया गया था। उसके पीछे भी सुखा दुनके का नाम सामने आया था। इन 3 हत्याकांडों में एक बात कॉमन थी कि मारने के बाद बम्बीहा गैंग की तरफ से जो सोशल मीडिया पोस्ट किया जाता उसमें सुखा को टैग किया जाता। हालांकि इसके जवाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी बम्बीहा गैंग के कई गुर्गों को मारने में सफल हुआ, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा जाता है कि उसकी खोपड़ी यानी कि दिमाग बहुत तेज है और तेज दिमाग वालों को आसानी से पहचानता है। लॉरेंस अपने गैंग के हर मेंबर की मौत के बाद जब पोस्ट डाला करता था उसमें वो ये जरूर लिखता था, ऐसा बदला लेंगे जमाना याद करेगा। तो लॉरेंस बिश्नोई उस शैतान खोपड़ी को पूरी तरह से उड़ाना चाहता था, इसीलिए उसके सिर में 9 गोलियां मरवाई होगी। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हमेशा कहता है कि बम्बीहा गैंग के बदमाशों ने पूरे पंजाब का माहौल खराब कर रखा है, पंजाब के युवाओं को नशे के एक ऐसे जाल में उलझा दिया है कि कई घर बर्बाद हो चुके हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि लॉरेंस बम्बीहा गैंग के इन शैतान खोपड़ियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हो। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो यही बात निकलकर सामने आ रही है। वैसे आपको बता दें कि सुखा की माँ और बहन भी कनाडा में ही रहते हैं जबकि उसके ताया पंजाब के मोगा में रहते हैं। सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके ने कनाडा भागने के लिए साल 2017 में फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। उसके खिलाफ पंजाब में कुल 10 मामले दर्ज बताए जाते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।